हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनम दोस्तों आई हैव जस्ट फिनिश्ड वाचिंग स्टारफिश लेट मी टेल यू मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल डीपली मिस्टीरियस एंड हाईली एंगेजिंग दैट इज व्हाट स्टारफिश इज दोस्तों बहुत अच्छा लगा ये फिल्म देखकर बहुत मजा आया और साथ में ये फिल्म में जो सस्पेंस है ना दोस्तों जिस तरह से वो सस्पेंस धीरे धीरे खुलता है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि एकदम लास्ट तक आपको ये फिल्म एंगेज करके रखेगा और जब ये फिल्म खत्म होगा ना दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाएंगे और आपका खुद का एक अलग इंटरप्रिटेशन होगा वो एंडिंग का वो क्लाइमैक्स का वो स्टोरी लाइन का दैट इज वेयर दिस फिल्म स्कोर्स वेरी वेल दैट इज वेयर द ब्रिलियंस ऑफ दिस फिल्म लाइज दोस्तों दैट इज स्टारफिश फॉर यू इट्स अ वेल रिटन वेल डायरेक्टेड एंड वेरी वेल एक्टेड फिल्म विद खुशाली कुमार डिलीवरिंग एन एब्सोल्युटली टॉप क्लास सुपर ब्रिलियंट एंड एब्सोल्युटली इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस इन वन ऑफ अवर मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स येट वेरी वेरी नाइसली डन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं राइट एट द वेरी बिगनिंग लेट मी टेल जिस तरह से ये फिल्म शुरू होता है ना वो शुरुआत में जो आप दृश्य देखोगे जो लोकेशंस आपको देखने का मौका मिलेगा और जो सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी आप देखोगे दोस्तों मंत्र मुग्ध कर देगा इट इज दैट वेरी मोमेंट व्हेन यू सी दी ओपनिंग शॉट्स यू से ब्यूटिफुल और उसके बाद खुशाली कुमार का जिस तरह से इंट्रोडक्शन होता है जो उनका एंट्री शॉट है वेरी 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 नाइस टू वॉच एंड एंड कुमार लुकिंग ब्यूटीफुल गॉर्जियस शी डाइव्स स्ट्रेट अवे इनटू एक्शन उनका एक मिशन है अंडर वाटर सबसे पहली बात तो यहां पे भी अंडर वाटर सीक्वेंसेस जिस तरह से शूट किया गया है ना इतना ब्यूटीफुल है वो देख के भी आप बोलोगे मेस्मराइजिंगली ब्यूटिफुल एंड जिस तरह से खुशाली कुमार अंडरटेक्स हर फर्स्ट मिशन राइट एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द फिल्म द वेरी बिगनिंग ऑफ द फिल्म दोस्तों वो अंडर वाटर सीक्वेंसेज में जो टेंशन आपको महसूस करने का मौका मिलेगा दैट विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीड्स दैट विल कीप यू ऑन टेंटर हुक्स एंड दैट इज द पॉइंट वेर द फिल्म स्टार्ट टेकिंग ऑफ वहां से फिल्म टेक ऑफ करता है एंड दैट सेट्स द टोन राइट फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म टू फॉलो और वहां से दोस्तों एक के बाद एक जो किरदार जुड़ता है चाहे वो तुषार खन्ना का हो चाहे वो एहान भट्ट का हो या मिलन सोमन का हो द स्टोरी लाइन गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग तो उनका क्या इंटरेक्शन है खुशहाली कुमार के साथ उनका क्या स्टोरी लाइन है कैसे वो आगे बढ़ता है और साथ में जो म्यूजिक आप सुनोगे जो सॉन्ग्स आप सुनोगे इतना मेलोडियस इतना सुपर वो एक अलग सा समा बांध देगा प्लस ब्यूटिफुल केमिस्ट्री बिटवीन तुषार खन्ना एंड खुशहाली कुमार एंड एप्सोल्यूटली सिजलिंग एंड गुड केमिस्ट्री बिटवीन एहान भट्ट एंड खुशाली कुमार एंड द मिस्टीरियस मिलिंद सोमन दोस्तों व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर एंड प्लस वेट फॉर दैट इंटरवेल ब्लॉक वो इंटरवेल पे दोस्तों जिस तरह से वो सस्पेंस आपके सामने आ खड़ा हो जाता है आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगा एक क्यूरियोसिटी आएगा एंड बहुत सारे सवाल तभी भी आएंगे और आप पूछने लगोगे कि खुशाली कुमार का जो किरदार है उनका क्या इक्वेशन है उनके मॉम के साथ और किसका किससे क्या कनेक्शन है यह सवाल आपके मन में आएगा और उसके बाद सेकंड हाफ जिस तरह से जाता है जिस तरह से दौड़ता है दोस्तों द स्क्रीन प्ले इज एब्सोल्युटली टाइट एंड एब्सोल्युटली फास्ट पेस्ड इनफैक्ट पूरा फिल्म और सिर्फ दो घंटे का ड्यूरेशन है मतलब बोर होने की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है और सेकेंड हाफ में जिस तरह से यू you नो know, जो स्क्रीन प्ले दौड़ता है लाइक आई सेड वो आपको इतना एंगेज करके रखेगा एंड वेट फॉर सस्पेंस टू बिल्टअअप

आप गेस नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज दैट अनप्रेडिक्टेबल और वो जब पहला ट्विस्ट आएगा ना दोस्तों मार्क माय वर्ड्स इट विल हिट यू हार्ड यू विल बी टेकन अ बैक बट वेट फॉर दैट दैट सेकंड सेकंड ट्विस्ट ट्विस्ट विल टर्न द टेबल्स वंस अगेन एंड फिर एक बार आप सवाल पूछने लगोगे किसका क्या कनेक्शन है यहाँ पे एंड देन वेट फॉर द क्लाइमैक्स एंड दाइक द बिगिनिंग जब आप वो एंडिंग देखोगे वो क्लाइमैक्स देखोगे आपका अलग सा एक इंटरप्रिटेशन आने लग जाएगा आप पूछोगे आप सवाल पूछोगे कि what when where how ये सारा सवाल आपके मन में आएगा एंड आपका खुद का एक इंटरप्रिटेशन होगा कि स्टोरी लाइन क्या है एक्चुअल स्टोरी लाइन क्या है एक्चुअल क्लाइमैक्स क्या है आपका क्या इंटरप्रिटेशन है क्लाइमैक्स का एंड ये सेम डिस्कशन आप अपने दोस्तों के साथ करोगे आप अपने दोस्तों को पूछेंगे, आपके हिसाब से आपके दोस्त के हिसाब से क्या है उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टोरी लाइन ऑफ दिस क्लाइमेक्स ऑफ दिस एंडिंग यू वुड लाइक टू नो अदर्स इंटरप्रिटेशन एंड दैट इज वेयर लाइक आई सेड द ब्रिलियंस ऑफ दिस फिल्म एब्सोल्युटली लाइज इट ओ Opens discussions. Once the film is over, you think about the film, you think about the storyline, you think about the climax, you think about the ending, and you want to discuss. You want to know your interpretation, your idea, and what others think, what others thought about this film. Super.

खुशाली कुमार का किरदार तो वो जोनड आउट मूवेंट दिखाना है उनको एंड प्लस यू नो थिंग्स आर फ्लैशिंग बिफोर हर तो वहां पे आप खुशाली कुमार का बॉडी लैंग्वेज देखना आप उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखना और साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स इन दो सीन्स दोस्तों वेरी वेरी गुड एक्टिंग बाय खुशाली कुमार दूसरा अंडर वाटर सीन्स में जिस तरह से टेंशन बिल्टअप होता है वो जो सीन्स को nice, no इनके अलावा तुषार खन्ना वेरी गुड लुकिंग एक्टर एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस इहान भट्ट वेरी हैंडसम एक्टर एंड वेरी वेरी इफेक्टिव वेरी वेरी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस मिलिंद सोमन के बारे में मैं क्या कहूं दोस्तों मिलिंद सोमन का जो अवतार था वो ही इतना सुपर्ब था एंड प्लस ही इज स्टिल द ग्रीक गॉड नो डाउट अबाउट इट एंड उनका जो किरदार है बहुत ही डिफरेंट किरदार है थोड़ा मिस्ट्री भी है उनके किरदार को लेकर एंड जिस तरह से बातचीत वगैरह करते ज्ञान वगैरह बांटते यू विल एब्सोल्युटली लव वाचिंग मिलन सोमनस परफॉर्मेंस इन द फिल्म एज वेल दोस्तों आई एब्सोल्युटली लव्ड वाचिंग दिस फिल्म आई एम गोइंग 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर स्टारफिश लाइक आई इट्स अ वेल रिटर्न फिल्म वेल डिरेक्टेड फिल्म डिरेक्टेड बाय अखिलेश बहुत अच्छा लगा मुझे अखिलेश जयसवाल जी का डायरेक्शन एंड वेरी वेल एक्टेड फिल्म मेस्मराइजिंगली फिल्मिफुल डीपली मिस्टीरियस एंड हाईली एंगेजिंग दोस्तों आप लोग भी देखना जरूर स्टार फिश थियेटर्स में और देखने के बाद मुझे बताना आपको ये फिल्म कितना अच्छा लगा लेट मी नो योर टेक टेकन ऑफकोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो चलिए फॉर द मोमेंट टाटा